दोस्तों, भारतीय बाजार में रेनॉल्ट स्क्विड की सफलता को देखते हुए रेनॉल्ट ला रही है अब एक और अपनी दमदार कार। तो चलिए जानते हैं, रेनॉल्ट ने जब क्विड को भारतीय बाजार में लॉन्च किया था तब शायद कंपनी को उम्मीद भी नहीं थी कि ये कार इतनी बड़ी हिट हो सकती है। क्विड अपने सेगमेंट की सबसे शानदार दिखने वाली हैचबैक कारों में से एक है। क्विड को आए हुए अब काफ़ी समय हो चुका है, ऐसे में ग्राहकों की ज़रूरतों को और स्टाइल को ध्यान में रखते हुए रेनॉल्ट्स ने अपनी नई कार को लॉन्च करने का फैसला कर लिया है, जिसका नाम दोस्तों ईवो लैब है, जो कि फेसलिफ्ट क्विड्स के मुकाबले काफ़ी दमदार होने वाली है और इसकी टेस्टिंग भी भारत में चल रही है। आइए जानते हैं इस कार के फीचर्स के बारे में। आना चाहूंगी दोस्तों, रेनॉल्ट्स की इस कार लीबो को भारतीय बाजार के अलावा कई अन्य देशों में बेचा जाता है, जैसे कि यूरोप, जापान, अमेरिका और साथ ही साथ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे इस कार की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रखी है, क्योंकि ये एक छोटे सेगमेंट की कार है जो कि कम प्राइस में वहाँ पे बेची जा रही है। और रेनॉल्ट्स क्विड की सफलता को देखते हुए रेनॉल्ट्स अब भारतीय बाजार में नई युद्ध को ध्यान में रखते हुए अपनी इस कार को रेनॉल्ट्स क्विड के तेज पर लॉन्च कर रही है। दोस्तों, कंपनी की द्वारा लीक हुई तस्वीरों के अनुसार नई रेनॉल्ट्स लीपो बाहर के देशों में बेचे जाने वाली लीपो की तुलना में ज़्यादा स्टाइलिश और स्पोर्टी नज़र आ रही है। कार में पहले के मुकाबले अब आपको स्प्लिट हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे। ऐसा ही कुछ डिज़ाइन इंडिया में क्विड के अंदर आपको फैसली वेरिएंट में देखने को मिलता है। इसकी हेडलैम्प्स यूनिट इसके नीचे फ्रंट बम्पर के साइड में रखी गई है और ये बम्पर काफ़ी स्पोर्टी नज़र आता है। एक लंबे समय के बाद क्विड को बेचे जाने के बाद अब भारतीय बाजार में इस कार को लॉन्चिंग के लिए फैसला किया है। दोस्तों, अगर बात करें फीचर्स की तो नए रेनॉल्ट्स लीपो में अब कैबिन और स्थान के कुछ एलिमेंट्स में आप सभी को बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो कि हाल ही में आई नई टाइबर फैसलिफ्ट में दिए गए हैं। इस कार के अंदर आपको बड़ा 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सुविधा के साथ इंडिया में मौजूद किया जाएगा। बताना चाहूँगा दोस्तों, ये सुविधा बाहर के देशों में लीपो के अंदर नहीं थी। और साथ ही साथ पार्किंग कैमरा और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और नए स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेंगे। ये कार 4 वेरिएंट पे भारतीय बाजार में हम सभी के लिए लॉन्च की जा सकती है। दोस्तों, अगर इंजन और पावर की बात की जाए तो रेनॉल्ट्स ली लैब यानी लीपो के अंदर आपको भारतीय बाजार में लॉन्च हुई रेनॉल्ट्स टाइबर वाला ही 999cc का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन देखने को मिल सकता है, जो कि आपको 72 हॉर्स पावर की ताकत और 96 Nm के पिकअप टॉर्क जनरेट कर पाने में जबरदस्त पावर रखता है, जो कि आपको 5 स्पीड मैनुअली वह 5 स्पीड AMT ट्रांसमिशन के उपलब्धों के साथ लॉन्च करवाई जाएगी। और माना यह भी जा रहा है कि दोस्तों इस कार को भारतीय बाजार में उतना ही प्यार देखने को मिलेगा जितना रेनॉल्ट्स की क्विड को देखने को मिला है, और आशा कंपनी यही कर रही है कि इस कार को भी वही ऊंचाइयां देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों, ये कार दिखने में तो काफ़ी स्टाइलिश है और रेनॉल्ट्स क्विड फेसलिफ्ट के मुकाबले काफ़ी बोल्ड लगती है, और इसके फीचर्स भी सारे अंदर से एडवांस है और उसका डैशबोर्ड भी एक फ्यूचराइज सा ही डिज़ाइन किया गया है। भारतीय बाजार में इस कार के लॉन्चिंग और कीमत की बात करी जाए तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी अनुमान यही लगाया जा रहा है कि भारतीय बाजार में अपनी रेनॉल्ट्स लीबो को जल्द ही 2020 के अंतर्गत लॉन्च कर सकती है। और कीमत की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक अंदाज़ा अभी यही लगाए कि इस कार की कीमत रेनॉल्ट्स मध्यवर्गीय परिवारों को देखते हुए मात्र 4.70 लाख रुपीस रख सकती है, जो कि रेनॉल्ट्स क्विड फेसलिफ्ट के मुकाबले 40,000 रुपये ज़्यादा है, जो कि काफ़ी अच्छा प्राइस है। तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये नई कार कैसी लगी, और वीडियो को बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेगा हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।